हाय एवरीवन, इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। मैं एक केस का एग्जांपल दूंगी ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको एंग्जाइटी फ्री करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशन है। मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए, एक मास्टरपीस है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना तो याद ही रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है एंग्जाइटी का साइकिल, जिसमें कोई भी ट्रिगरिंग इवेंट होता है, यानी कि कुछ हमारे आसपास एनवायरनमेंट में ऐसा हुआ जिससे हम ट्रिगर हो गए, या हमारे साथ भी वो हो सकता है। फिर उसकी वजह से हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं, जिसका इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, फिजिकल सिम्टम्स आते हैं और हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्स हो जाता है। तो कभी कभी आपको एंग्जाइटी हो, हमें एंग्जाइटी हो, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। एंग्जाइटी भी हमेशा बुरी नहीं होती है, मतलब एंग्जाइटी को सिर्फ हमें नेगेटिव टर्म में नहीं देखना है। अगर एक बच्चे को पढ़ने की चिंता नहीं होगी तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा। एक गृहिणी को अगर घर के काम के लिए चिंता नहीं होगी तो वो घर के काम को बहुत अच्छी तरह से नहीं करेगी। अगर कोई बिजनेस पर्सन है, उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके लिए थोड़ी सी भी वो वरी नहीं करेगा तो फिर वो बहुत अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो एंग्जाइटी को सिर्फ एनिमी की तरह नहीं देखना है, हर चीज लिमिट में, रेंज में ठीक होती है, लेकिन लिमिट से बाहर जाते ही वो आपके लिए नुकसान दे जाती है। अच्छी चीजें भी लिमिट से बाहर जाती हैं तो नुकसानदायक होती हैं, जैसे कि आप कितना भी हेल्दी खा लें लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। तो ऐसे ही एंग्जाइटी के साथ भी होता है। अब कभी कभी एंग्जाइटी हो तो ठीक है, बट जनरलाइज एंग्जाइटी में क्या होता है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी में क्या होता है, ये हमारे साथ जो ट्रिगरिंग इवेंट होता है ये बेसिकली कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब सारा ही, मतलब एनवायरनमेंट में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे ट्रिगर्स घूम रहे हैं। सिंपल डे टू डे वरीज एक पर्सन को घेर लेती हैं। मतलब कहीं पर आपको मार्केट जाना हो तो भी चिंता का कारण है, कोई घर गेस्ट आना हो तो भी चिंता का कारण है, आपको बच्चों के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है वो भी चिंता का कारण है, घर की साफ सफाई भी पेंडिंग है तो वो भी चिंता का कारण है, हस्बैंड बाहर से आने में लेट हो गए तो भी चिंता का कारण है। मतलब कुछ भी, अब इसमें मेल और फीमेल का नहीं है, ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल देने के लिए बोला। हाँ, फीमेल्स में ये वाला डिसऑर्डर मेल्स के मुकाबले दुगना देखा जाता है। अब जब जिन भी लोगों को ये डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर कब कहते हैं हम, जो लक्षण अभी मैं बताने वाली हूँ अगर वो 6 महीने तक आपके साथ हो रहे हैं तो कहते हैं आपको जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर है। तो जिस महिला का मैं एग्जांपल देने वाली हूँ वो 45 साल की महिला है और जिनको जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ, लेकिन उससे पहले वो इन कंप्लेंट्स के साथ आई कि उनका सर बहुत ज्यादा भारी रहता था, मूड बड़ा चिड़चिड़ा रहता था, हर चीज में बस सबसे पहला ख्याल नेगेटिव ख्याल आता था और कोई भी बात को कई कई दिनों तक वो मन से छोड़ नहीं पाती थी, जिसकी वजह से उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी, एक अजीब सी घबराहट सी रहती थी उनको। तो ये सारी कंप्लेंट्स के साथ आई। तो जब उनके पूरी लाइफ के बारे में जाना गया तो ये पता चला कि उनका जो सोचने का तरीका था उससे उनको जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ। तो चलिए पहले इसके लक्षणों को देख लेते हैं। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, इसमें ये है कि एक इंसान को इतनी एक्सेस में वरी होती है कि वो उस चिंता को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब किसी को पता चल जाए कि उसका मन चिंता कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो हर इंसान है थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखने की कोशिश करता है। बट इसमें क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई आई एम अनेबल, मेरे से नहीं हो रहा है ये ना, ये तो चिंता बस चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, एक्सेस में वरी करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया अभी कि वरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबका एक नेचुरल पैटर्न होता है कि चिंता करना, असुरक्षित महसूस करना, क्योंकि अनसर्टेन है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, लेकिन एक्सेस में होने लग जाती है ऐसे लोगों को। इसी तरह से एक लक्षण आता है, इनको नींद जो है ना आने में दिक्कत होती है, और अगर आ जाए तो स्लीप को मेंटेन करने में दिक्कत होती है, ये भी उसका एक कॉमनली लक्षण देखा गया है। एंग्जाइटी और स्लीप का क्या कनेक्शन है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इसको डीप में इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो को देख लें। इसी तरह से इरिटेबिलिटी, इतना ज्यादा इरिटेट रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, अजीब सा मूड रहता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों की वो अंदर अंदर इंटरनल डायलॉग्स चल रहे होते हैं। अंदर अंदर जब कोई इंसान के इंटरनल डायलॉग्स चल रहे होते हैं वो ऑलरेडी परेशान है, तो फिर आसपास के इन्वायरमेंट से भी उसको ना बहुत इरिटेशन होने लग जाती है, तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है। इसी तरीके से वो बहुत ही जल्दी एकदम से डर जाते हैं किसी भी बात में, एकदम से उनका मन पता नहीं कहाँ से कहाँ एकदम कैटास्ट्रोफिक वे में सोच लेता है। तो एकदम से किसी भी बात से भयभीत हो जाना, छोटी सी बात भी हुई एकदम से हॉल हो जाती है, तो वो सब चीज भी इनके लक्षण में देखी गई है। ऐसे ही उनको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आती है या फिर माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कहते ना बिल्कुल मेरा दिमाग खाली हो गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा, सुध बुध खो गई है, या फिर अगर कुछ करेंगे भी तो उनको
कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी आती है, जैसे उन्हीं लेडी को मैंने बोला कि आप मेडिटेशन करना है, तो ये मुझे भी पता था कि एकदम से मेडिटेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी कि मैम मैं जब मेडिटेट करने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा लग रहा है कि उसी टाइम पर सारी थॉट्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आ गई है दिमाग से, तो उनको कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और लक्षण जो देखे गए हैं कि कितना भी कोशिश कर ले रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, मतलब अगर वो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या वॉक भी या किसी भी तरीके से म्यूजिक सुनकर भी रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, बट बैक ऑफ माइंड ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले उनकी थॉट्स का गाना चल रहा है, तो एकदम से अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते। इसी तरीके से और जो देखे गए लक्षण वो ये है कि हमेशा जो है ना वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के बारे में ही एकदम से उनका माइंड जैसे उनको ऑटो सजेस्ट करता है। अब माइंड वर्स्ट पॉसिबल जो आउटकम है उसके बारे में कब ऑटो सजेस्ट करता है, जब उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है, प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है। तो अब ये सोचने का तरीका उनका बहुत लंबे समय से था, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको ऑटो सजेशन देता है वो डेफिनेटली आपकी लर्निंग के हिसाब से देता है। तो इट्स बट ऑब्वियसली आपके दिमाग में जो ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं वो बस पॉसिबल केसेस की आ रही हैं। इसी तरीके से बहुत आसानी से रो जाना, भावुक हो जाना, जैसे उन्होंने भी बताया कि कोई भी बात है अगर घर में मेरी सास कुछ कह देती है या किसी भी मेंबर से हस्बैंड से कोई बात हो जाती है तो बहुत जल्दी भावुक हो जाना, एकदम से रोना, चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा हो जाना, ये सब चीजें हैं वो भी देखी गई है। इसी तरीके से कोई भी अनसर्टेनिटी जिसमें कुछ भी सर्टेन ना हो तो वहां पर उस तरीके की सिचुएशंस में उनको और ज्यादा वरी होने लगती है, मतलब उनको लगता है कि बस मैं जो अनसर्टेन है उसको नहीं संभाल सकती। तो अब अनसर्टेनिटी तो लाइफ में है, ये कुछ भी सर्टेन नहीं है। आप देखिए ना, अगर लाइफ इतनी सर्टेन होती तो फिर कहने ही क्या थे, जिंदगी जीने में मजा भी नहीं आता तब। अनसर्टेनिटी है तो लाइफ में एक्साइटमेंट है। हम सभी लोग अनसर्टेन सिचुएशंस को काफी हद तक डील कर लेते हैं। कुछ सिचुएशंस वाकई इतनी बड़ी होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन जिसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है उसको छोटी छोटी सी सिचुएशंस की अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा, फ्यूचर की बहुत ज्यादा एक्सेस में बड़ी होती है। ऐसे ही उनको जो है ना ऐसा लगता है कि वो किसी डिसीजन को बहुत अच्छी तरीके से नहीं ले सकते, मतलब इनडिसिसिवनेस होती है बहुत ज्यादा, और डर लगा रहता है कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया वो गलत हो गया। तो जैसे ये जो लेडी थी, इनको अपने बच्चे का ट्यूशन ही डिसाइड करना था, तो वो इसी चीज को डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ट्यूटर कौन हो, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर मैंने गलत ट्यूटर जो है ना वो कर लिया अपॉइंट अपने बच्चों के लिए, उसने ढंग से नहीं पढ़ाया तो मेरे बच्चे फेल हो जाएंगे। अब ये छोटी सी है कि कोई भी मदर, और उनकी एज भी कुछ कम नहीं थी, 45 ईयर्स ओल्ड वो थी, तो कोई भी ऐसा वो नहीं था कि जो है ना कि एक बच्चे का ट्यूटर ही अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी उनको था, वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंसी कि आप डिसाइड करो कि कौन सा ट्यूटर हमारे बच्चों को पढ़ाएगा। तो इतने छोटे छोटे से डिसीजन लेने में भी कई बार प्रॉब्लम महसूस करते हैं। ऐसी और फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली उनको बहुत फटीक रहती है, बड़ा थकान रहती है, मसल्स में बिल्कुल टेंशन रहती है, बिल्कुल ऐसे ट्विची फील होता है, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फीलिंग्स जो है ना बॉडी के लेवल पर बहुत ज्यादा होती है, नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है, स्वेटिंग होती है, और पेट से रिलेटेड इशूज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो जाता है। उसमें क्या है कि कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी ब्लोटिंग, जैसी ये सब चीजें प्रॉब्लम बहुत कॉमनली फिजिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं जिनको भी जीएडी होता है, यानी कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो जिन लेडी का मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ वो 45 ईयर्स की थी, अच्छा काफी एजुकेटेड थी, ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं थी, एमबीए कर रखा था, दो ही बच्चे थे, उनकी छोटी फैमिली थी, हस्बैंड भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, बस लेकिन वो सोचने की इस तरीके से आदत हो गई। जब उनकी पूरी हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उनकी मदर भी ऐसे थी, उनकी मदर को भी बहुत ज्यादा सोचने की, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाने की, हर चीज का नेगेटिव मीनिंग निकाल कर देने की आदत थी। तो कुछ तो जेनेटिक्स का भी रोल होता है कि अगर मदर पहले से ही ऐसे हो, और गर्भावस्था में जब शिशु अंदर होता है तो माँ कैसा सोचती है, किस तरीके का बिहेवियर पैटर्न है, उसका तो इफेक्ट पड़ता ही है, एंड उससे ज्यादा इम्पोर्टेंटली उसको किस तरीके की अपब्रिंगिंग मिल रही है, किस तरीके की उसकी कंडीशनिंग की जा रही है। अब एक बच्चा शुरुआती अपने 8 सालों में, जब तक उसका अपना इंटेलेक्ट, एक कॉन्शियसनेस पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, तो तब तक बच्चा क्या है, हर चीज में अपने मदर फादर जो भी अथॉरिटी फिगर्स होते हैं उनकी तरफ देखता है, उन्हीं से सीखता है, बेसिकली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी सीखता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर वे में सीखता है। तो वो जो उनकी मदर की इतनी एक्सेसिव वरी की आदत थी, इतना ज्यादा नेगेटिव मीनिंग निकालने की हर चीज में आदत थी, तो उनकी कंडीशनिंग में भी वही सब हो गया था। तो वो शुरू से ही ऐसे थे, मतलब उनके स्कूल में भी उनकी आसानी से जो है ना किसी से भी ऐसी कुछ खास बनती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते थे, अगर किसी ने भी छोटी मोटी बात के लिए मना कर दिया था तो नेगेटिव ही चेन बन जाती थी दिमाग में। बड़े होते 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 भी ये सब कुछ उनका चलता रहा, कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में, किसी तरीके की अच्छी खासी
संपन्न परिवार से, हस्बैंड भी सपोर्टिव, इन लॉज भी सपोर्टिव, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे चिंता का हो, बस सिर्फ और सिर्फ उनका सोचने का तरीका ही ऐसा था। तो इस तरीके के जो भी पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में कोई खास बहुत बड़ी बातें नहीं होती है जिससे चिंता की, छोटी मोटी बातें ही होती हैं। तो अब ये सारे सिम्टम्स आप समझ ही गए हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के सिम्टम्स आप 6 महीने से ज्यादा जो है ना सफर कर रहे हैं, तो आपको जनरलाइज एंग्जायटी डिसऑर्डर हो सकता है, बट खुद भी खुद मत डायग्नोस करके बैठ जाइएगा, किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले लीजिएगा। अब देखते हैं कि एंग्जायटी जो है ना बेसिकली 3 मेजर एरियाज से आती है किसी भी पर्सन के। उसमें एक होता है उसका हेल्थ का एरिया, उसका वेल्थ का एरिया, और उसका रिलेशनशिप उसके। अब हेल्थ में चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो, आपकी वेल्थ में आपका जो भी करियर है, जो भी आपकी करियर, अगर कोई हाउस वाइफ भी है या कोई प्रोफेशनली एक्टिव या कोई बिजनेस नहीं भी करते हैं, मतलब जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां से भी आपकी जो ना जीवन चलता है, जीविका चलती है, तो उस एरिया से भी हो सकती है उनकी और उनका ग्रोथ का कंसर्न। इसी तरीके से रिलेशनशिप में जो उनके पर्सनल नियर एंड डियर वंस होते हैं और जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं। अब ये 3 मेन पिलर्स होते हैं, अगर इनमें से एक भी हिलेगा पर्सन का तो 2 तो ऑटोमेटिकली हिल जाएंगे। मान लीजिए किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, अगर उसके हेल्थ इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो डेफिनेटली उसकी वेल्थ पर भी फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि आपका वर्क एफिशिएंसी उतना नहीं रहेगा, आपका पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा ना उस टाइम पर। और जब आप इतना परेशान होंगे, हेल्थ इश्यूज चल रहे होते, तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, सामने वाला आपके लिए कर भी रहा होता है लेकिन फिर भी आपको लग रहा होता है कि वो कम कर रहा है, तो रिलेशनशिप में भी कड़वाहट सी देखी गई है। अगर ये हेल्थ वाला ठीक है, आपका कुछ आपके फाइनेंस से वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर इफेक्ट आता है, आपके रिलेशंस पर फर्क पड़ जाता है। इसी तरह से अगर रिलेशंस पर कुछ आपके कड़वाहट चल रही है, घर में आपके अशांति फैली हुई है, तो उससे भी आपकी हेल्थ खराब हो जाती है और आपके फाइनेंस भी गड़बड़ा जाते हैं उससे। तो ये तीनों जो एरियाज हैं ये बेसिकली आपस में कनेक्टेड ही हैं। तो आपको सबसे पहले तो एंजाइटी, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक एंजाइटी हो, सिचुएशनल एंजाइटी या फिर जनरलाइज्ड एंजाइटी क्यों ना हो, आपको ये देखना है कि इन 3 मेजर एरियाज पर आपको पहले बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है कि आपका मेन जो सोर्स ऑफ एंजाइटी है वो कहाँ से है, मतलब कहाँ से आ रहा है आपका जो मेनली वरी आपके दिमाग में घूमती है। अब जैसे जनरलाइज एंजाइटी वाले तो मैं बता ही रही हूँ आपको कि उनके लिए तो कोई स्पेसिफिक खत्म ही हो जाता है, लेकिन ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी है ये एक हैबिट की तरह आपके अंदर शामिल हो जाती है। जब स्टार्टिंग में ही आपको लगे कि आपको कुछ एंजाइटी ज्यादा ही रहने लगी है, मतलब कभी कभार किसी को हो जा रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको लगे कि ये 5, 10, 15 दिन हो गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों छोटी छोटी बातों पर मेरा दिमाग इस तरीके से पकड़ रहा है, तो शुरुआत में ही आप अगर देख लें कि कौन से एरिया से एंजाइटी आ रही है, क्योंकि कोई भी चीज पहले जनरलाइज नहीं होती है, पहले वो स्पेसिफिक एरिया से शुरू होती है एंड देन वो धीरे धीरे जनरलाइज होना शुरू हो जाती है। तो ये 3 एरियाज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पकड़ लें, और स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर आपने पकड़ लिया और वहीं पर ही अपनी थॉट्स को मैनेज करना, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए चाहे एक्सरसाइज, डाइट, कुछ भी करेक्शन करने हो, सोचने का तरीका बदलना हो, किसी का सपोर्ट चाहिए, जो भी है करेक्ट कर लेंगे, तो ये बेसिकली जनरलाइज नहीं होगी। तो ये चीज आपको शुरुआत में ही पकड़नी है, क्योंकि अगर एक बार वो चीज जनरलाइज उसके फॉर्म में फैल गई और आपकी हैबिट बन गई, क्योंकि वो एक हैबिट का पार्ट बन जाता है, कहते हैं ना इसका तो नेचर ही ऐसा है। बहुत सारे लोगों को जिनको ज्यादा चिंता करने की आदत होती है तो उन्हें कोई डिसऑर्डर नहीं कहता, बोलते हैं इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, उसको तो ना ज्यादा सोचने की आदत है ही। उस ज्यादा सोचने की आदत है ही क्या, वो पड़ी कैसे ना, वो पड़ी स्पेसिफिक टू हमेशा जो जनरलाइज फॉर्म में जाती है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी एरिया गड़बड़ आ रहा है तो आप समझ जाइए बाकी एरियाज भी गड़बड़ हो जाएंगे, तो पहले स्टेज पर ही अलर्ट हो जाइए। अब आगे देखते हैं, कुछ सॉल्यूशंस देख लेते हैं एंग्जाइटी को स्टॉप करने के लिए। पहले सॉल्यूशन की बात बात करते हैं, नो कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। आपने मेरी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की सीरीज भी देखी होगी, जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी वाला पर्सन होता है उसकी बेसिकली जो दिमाग में है वो उल्टे से उल्टे ही खिलाते हैं। जैसे ये लेडी, इनके हस्बैंड अच्छा खासा बिजनेस करते थे, अगर कभी भी लेट हो जाते थे तो उनके दिमाग में उनको लेकर बुरे बुरे ही ख्याल आते थे कि कहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं लिया है, कहीं कुछ चोट तो नहीं लग गई है, इसी तरीके के ख्याल आते थे। घर पे लेट आने के भी भाई और भी तो रीजन हो सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं आते थे इनके दिमाग में, क्योंकि इनकी जो सोचने की आदत थी वो ऐसी पड़ गई थी। और कोई आदत एक दिन में 2 दिन में नहीं बनती है, आदत को बनने में टाइम लगता है तो आदत को बदलने में भी टाइम लगता है। अब करना क्या है भाई, दिमाग आपको ऑटोमेटिकली बुरे से बुरा सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि
सकती हूँ क्योंकि आपने उसको प्रोग्राम ही ऐसा कर दिया है। तो आप ये देखिए उसके और ऑल्टरनेटिव रीजंस क्या हो सकते हैं, मतलब अपने माइंड को थोड़ा रिजिडिटी से हटाकर फ्लेक्सिबिलिटी की ओर लेकर जाइए। ये देखिए कि घर पर लेट आने के या जो भी सिचुएशन में आपको ये थॉट्स आ रही हैं कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स, तो ये देखिए उसकी अदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो ये कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग से हटने के लिए आप क्या देखिए, अदर पॉसिबिलिटीज। इससे आपके अंदर क्या होगा, इससे आपके अंदर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब आपका दिमाग जो एक सर्टेन मीनिंग निकाल रहा होता है हर सिचुएशन का, वो डिफरेंट मीनिंग निकालना सीख जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी, यानी कि लाइफ अनसर्टेन है, आप और मैं कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं जो बिल्कुल फिक्स हो और एकदम 100% ट्रू हो जाएगी। लाइफ अनसर्टेन है, इसीलिए ही इस लाइफ के मजे हैं, इसीलिए ही इस लाइफ में ब्यूटी है। अगर आप हर चीज सर्टेन चाहेंगे अपने हिसाब से और आप सोचेंगे कि किसी भी चीज के लिए चिंता ही ना करनी पड़े या सब चीज मेरे मन मुताबिक हो, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। तो जो लोग भी अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं, वो एक्साइटमेंट के साथ जीते हैं। आप एक देखिए, आप एक मूवी भी देखने जाते हैं, अगर आपको ऑलरेडी उसका एंड पता हो तो आपको उसे देखने में मजा नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आपको हर पल में पता हो नेक्स्ट उसमें क्या होने वाला है, आपको लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होगा। लाइफ अनसर्टेन है, इसीलिए एक्साइटमेंट है, इसीलिए इस लाइफ की ब्यूटी और ग्रेस है। तो इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए चिंता करने वालों को कि लाइफ अनसर्टेन है, रहेगी। आपकी चिंता करने से वो अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी में नहीं बदलेगी, बल्कि आपकी चिंता करने से आप अपने लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इनवाइट कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों को भी इरिटेट कर रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझा समझा के वो थक जाएंगे। और आप जो है ना अपनी सारी हेल्थ खराब करके, रिलेशनशिप खराब कर कर, पैसा खराब कर कर, तब भी आपको वही अनसर्टेनिटी के साथ जीना है। तो जब जीना ही अनसर्टेनिटी के साथ है, तो क्यों ना उसे एक एक्साइटमेंट, एक एडवेंचर ट्रिप की तरह लें और लाइफ को एंजॉय करते हुए जिए और देखें कि भाई जो नेक्स्ट मोमेंट में जो होगा देखा जाएगा, संभालेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। इस एटीट्यूड के साथ जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। तो ये एटीट्यूड चेंज करना है। इसी तरह से राइट सेल्फ टॉक, हम सारा दिन अपने आप से बात करते रहते हैं, कितना हम सोचते हैं, हम सोचते क्या है, हम अपने आप से बात करते रहते हैं। तो आप अपने आप से अगर नेगेटिव नेगेटिव बात करते रहेंगे, हर सिचुएशन का नेगेटिव मीनिंग निकाल कर देते रहेंगे, जो पॉजिटिविटी है उसको अपने माइंड को नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी और प्रोग्रामिंग नेगेटिव नेगेटिव होती चली जाएगी। और जितनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी, उतना ही नेगेटिव माइंड आपका ऑटो सजेस्ट देगा आपको नेगेटिव थॉट्स के रूप में। तो राइट सेल्फ टॉक, अपने आप को ये मत बुलाइए कि मेरी ना चिंता करने की बहुत आदत है, मैं क्या करूं, कितना भी कर लूं मेरे से तो होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं कभी ठीक होंगी भी नहीं होंगी। ये सब जो सेल्फ टॉक है सब नेगेटिव है, बकवास है। आप कैसे ठीक होंगे इससे? आपको क्या कहना है कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, अगर मेरे घर कोई आ भी रहा है तो सब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, मिलजुल के सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। मतलब अगर छोटी से छोटी सिचुएशन थी है, ऐसी है, या जैसे इन लेडी का ही केस है, बच्चों की ट्यूशन वाली बात थी कि वो ट्यूटर ही नहीं अपॉइंट कर पा रही थी, तो अगर वो ऐसे में सेल्फ टॉक करती कि भाई मैं एजुकेटेड हूँ, MBA मैंने कर रखा है, पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए एक ट्यूटर क्यों नहीं डिसाइड कर सकती, भाई एक ट्यूटर में क्या क्या क्वालिटीज हैं, या जो मैं ट्यूटर अपॉइंट करने वाली हूँ उसके बारे में मैं पता कर लूँ कि उसका फीडबैक कैसा है, और मैं देखूंगी 2-3 दिन ट्रायल पर, अगर मेरे बच्चों से मैं फीडबैक लूंगी, अगर वो उनको समझ में आ रहा है, ट्यूटर उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है, ट्यूटर का कैरेक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर अगर इस तरीके की सेल्फ टॉक, वो जब उनको एंग्जाइटी हो रही थी, इस तरीके सेल्फ टॉक वो करती तो उनके अंदर हिम्मत आनी शुरू हो जाती, और इन डिसिसिव स्टेट में वो थोड़ा सा डिसीजन लेने की हिम्मत करती, और सब चीजें धीरे 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 कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद उनका माइंड सेट चेंज होना शुरू हो जाता। बट जब तक आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहेंगे, जब तक आपका कुछ नहीं बदलेगा, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या करना है, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपने कर ली, आपने थोड़ा सा डेयरिंग वो करा, आपने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, एक्शन भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि केवल सोचने से तो कुछ नहीं होता है ना। जो आपने सोचा हुआ होता है उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक्शन ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर मैं बैठे बैठे कुछ भी सोचती रहूं, चाहे मेरे को बहुत पैसा कमाना हो वो सोचूं, चाहे मुझे अपने लिए फिटनेस और जो है ना लेकर आनी है अपनी लाइफ में, तो मैं अपने आप को और फिट बनाने के लिए सोचूं, या मैं किसी रिलेशन को ठीक करने के बारे में सोचूं, सिर्फ सोचती रहूं, करूं कुछ नहीं, तो उससे क्या वो मेरी रियलिटी बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी रियलिटी। रियलिटी कब बनेगी?
जब मैं जो सोच रही हूँ उस सोच के हिसाब से मैं एक्शन भी लूँ, क्योंकि एक्शन से आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो तो भी आपकी रियलिटी वही बन जाती है, आप पॉजिटिव थॉट के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो तो वो भी आपकी रियलिटी बन जाती है। तो एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ एक्शन ही चलता है। हम मनुष्य जीवन में हैं, हम बिना कर्म के कुछ भी वास्तविकता नहीं बना सकते हैं। तो हमें जो भी कुछ अपने लिए रियल बनाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप अपने मेंटल लेवल पर काम कर रहे हैं, आप अदर पॉसिबल पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं, आप अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, सेल्फ टॉक को करेक्ट कर रहे हैं, देन उस करेक्टेड पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करना है, आपको डेली एक्सरसाइज करना है, अपनी थॉट्स को रेशनलाइज करना है। अब एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशन सब मेरी ऐप पर हैं, आप उसमें से देख कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा उससे। और साथ ही साथ अपनी हर नेगेटिव ऑटोमेटिक जो थॉट आ रही है उसको आपको उसका काउंटर स्टेटमेंट रेशनलाइज करना है, अपनी नई थॉट्स लेनी है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आई आपने उसे चेंज करा, रेशनलाइज करा, नया रियलिस्टिक पॉजिटिव थॉट लिखा। जैसे ही किसी और सिचुएशन में नेगेटिव थॉट आई आपने उसी पहली थॉट को ही पकड़ कर चेंज कर दिया, तो क्या होगा, आपका जो ऑटो पैटर्न था जो नेगेटिव था, बार 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 करेक्ट करने से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि आपको एक लर्निंग हो जाएगी, आपको एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि जब भी कोई गलत थॉट आएगी तो उसे करेक्ट कर कर आप सही कर लेंगे। और कुछ ही महीनों की प्रैक्टिस में आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट, सोल्यूशन ओरिएंटेड थॉट आने लगेंगी, आपको हिम्मत आने लग जाएगी। तो एक्सरसाइज आपके सिम्टम्स को रिलैक्स करने में बहुत मदद करेगी, और जो मेंटल एक्सरसाइज है रेशनलाइज करने की, थॉट्स को करेक्ट करने की, वो आपको मेंटल लेवल पर स्ट्रेंथ देगी। तो उम्मीद करती हूँ जो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और आप आज से ही अपनी एंग्जाइटी से पीछे छुड़ाने के लिए इन सॉल्यूशंस को अप्लाई करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जिस तरह से उस लेडी ने सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की मेहनत से अपना माइंडसेट पूरी तरह से चेंज कर लिया, अपने आप को फिजिकल सिम्टम से फ्री कर लिया और एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जी रही है, उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसी तरीके से अपनी हर तरीके की एंजाइटी से पीछा छुड़ाकर एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको काम देकर जा रही हूँ, एक तो आपको कमेंट कर मुझे बताना है कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, और इस वीडियो को हर जरूरतमंद के साथ आपको शेयर करना है ताकि आप मेरे मिशन में मेरा साथ दे सके। आप जानते ही हैं मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से पूरे मन से हफ्ते में 2 बार वीडियोस डालती हूँ, और मेरा उद्देश्य यही है मेंटल हेल्थ को, जो टैबू है आज की हमारी सोसाइटी में, उस टैबू को खत्म कर कर मेंटल हेल्थ जो है ना आप सबकी इम्प्रूव करना, घर बैठे ही आपकी मेंटल हेल्थ का आप कैसे ख्याल रख सकते हैं, आपको सोल्यूशन देना, बस मेरा यही मिशन है। और मैं अपने इस मिशन में आपका साथ चाहती हूँ, और आपका ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहेगा तो हम बहुत ही जल्दी अपने देश से मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन सबको दूर कर पाएंगे। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।